मरा या किसी ने धक्का दिया? सुसाइड है सर, खुदकुशी का मामला। इस दीवार का सीमेंट लड़की के नाखून में से मिला। आज हम बात करने वाले हैं 7 सबसे बेस्ट मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल है। कर्नाटक के जंगल के बॉर्डर पे मिली है सर। 40 सेकंड का कॉल किया गया। कन्नूर स्क्वाड फिल्म की स्टोरी की बात करें तो कन्नूर स्क्वाड फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम की है, जो देश भर में पहले कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी टीम बनाते हैं और उन्हें पकड़ने निकल जाते हैं। यह पुलिस वाले उन अपराधियों के समूह को पकड़कर खत्म करना चाहते हैं और इस फिल्म के अंदर पुलिस कैसे काम करती है वह बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। पहले तो कहानी स्लो चलती है और थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे कि यह फिल्म बहुत ही बेकार होने वाली है, पर जैसे ही कन्नूर स्क्वाड फिल्म अपनी स्पीड पढ़ती है वैसे ही इसकी कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कालिदास एक मर्डर मिस्ट्री है जहां स्पष्ट आत्महत्याओं की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी को अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक मुद्दों को संतुलित करते हुए एक रहस्यमय हत्यारे के निशान का पालन करना पड़ता है। फिल्म तब शुरू होती है जब एक लड़की एक इमारत के ऊपर से गिर जाती है और कालिदास भरत के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस इसे आत्महत्या करार देती है। फिर ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और कालिदास को अपना अधिकांश समय इस मामले पर समर्पित करना पड़ता है। उसकी पत्नी विद्या एन सीथल इस स्थिति से थक गई है कि वह उसके साथ समय बिताने में असमर्थ है और वही घटना बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब अब भी जो बस में चढ़ेगा वो मारा जाएगा? बस के एक्सीडेंट से पहले अगर वो उतर गए तो वो बच जाएंगे। वरदान अन्नादुरई अरुल ने थी पुलिस बल में नया है और वह एक नव विवाहित जोड़े की अनसुलझी हत्या का मामला उठाता है जो ऊटी में अपने हनीमून के दौरान मारे गए थे। जैसे ही वह मामले को सुलझाने के मिशन पर निकलता है वह कई रहस्यों को उजागर करता है और अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला का सामना करता है। मामले का परिणाम क्या था और इस मामले ने वरदान के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभाव डाला, फिल्म इसी बारे में है। मंगलवरम वास्तविक कहानी मध्यांतर के समय शुरू होती है और वह भी एक ऐसे मोड़ के साथ जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह पूरी तरह से कुछ अलग होगा। अजय भूपति आंध्र प्रदेश के एक गांव महालक्ष्मीपुरम की दुनिया बसाने में पहला घंटा लगाते हैं। 1980 के दशक के मध्य में बचपन का एक प्रसंग बहुत बाद में घटित होने वाली घटना की प्रस्तावना की तरह काम करता है। वर्षों बाद मंगलवार को गांव में रहस्यमय मौतें होती हैं। अवैध संबंधों के बारे में एक दीवार पर पंक्तियां लिखी जाती हैं और इसके तुरंत बाद ग्रामीणों को पता चलता है कि नामित लोगों की हत्या कर दी गई है। आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच घर में घुस गया था, मारने की कोशिश कर रही थी। कॉकरोच को आप मारती? जाने जान एक अकेली माँ माया डिसूजा करीना कपूर खुद को एक हत्या की जांच के बीच पाती है जब उसके अपमानजनक पूर्व पति अजीत महात्रे सौरभ सचदेवा की मृत्यु हो जाती है और वह मुख्य और एकमात्र संदिग्ध बन जाती है। उसका पड़ोसी नरेन जयदीप अहलावत एक गणित प्रतिभावान उसकी मदद करता है क्योंकि एक प्रतिभाशाली और जिद्दी इंस्पेक्टर करण आनंद विजय वर्मा अपराध की जांच करता है। क्या माया को बचा लिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा और उसकी छोटी बेटी तारा नायशा खन्ना से अलग कर दिया जाएगा? हिडिंबा ये मूवी का एंड आपको घुमा के रख देगा। हिडिंबा शहर में महिलाओं के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच करने वाली एक पुलिस प्रक्रिया के रूप में शुरू होती है। जांच अभय अश्विन बाबू द्वारा संभाली जा रही है क्योंकि मामले बढ़ने और जनता और मीडिया का दबाव चरम पर होने पर आईपीएस आद्या नंदिता श्वेता को जांच में लाया जाता है। अभय और आद्या पुराने प्रेमी हैं जो तब अलग हो गए जब आद्या ने आईपीएस पास किया और केरल में काम करने चली गई। अभय और आद्या सिलसिलेवार अपहरण की घटनाओं को सुलझाने और अंग तस्करी गिरोह के अपराधियों के रूप में पहचान करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने और मुख्य अपराधियों को पकड़ने के बाद भी अपहरण नहीं रुकते। लड़कियों को बेरहमी से कत्ल करने वाला सीरियल किलर और दो जांबाज पुलिस अफसर इस फिल्म ने ओटीटी पर काटा हुआ है गदर। असल जिंदगी में एक सामान्य शख्स जिसका दिल बहुत मजबूत नहीं है लेकिन वह बहादुर दिखने की कोशिश करता है। वह पुलिस में भर्ती होता है लेकिन उसका पहला ही केस जाने माने और खड़ूस अफसर के साथ होता है।
उन्हें पता लगाना है एक सीरियल किलर का, एक ऐसा सीरियल किलर जो बहुत ही बेरहमी से लड़कियों का कत्ल करता है। हालांकि शुरू में जो केस सिर्फ हत्याओं का लग रहा था, जब उसकी गुत्थी सुलझने लगती है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। जी हाँ, कुछ यही कहानी है सोनी लिव पर रिलीज हुई तमिल फिल्म पोर्टोजिल की। फिल्म को इस OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में भी देखा जा सकता है।